ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते रहें। आज की जो बातचीत रहेगी वो पेंडिंग फाइल्स के ऊपर, जो बच्चों की परेशानी है। रिजल्ट ऑल दो कैनेडा के लगातार आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड से आ रहे हैं, बट फिर भी हर बार चाहते ना चाहते हुए कुछ फाइल्स बैकलॉग में या पुरानी हो जाती हैं और उनके ऊपर बच्चों की परेशानी और बढ़ जाती है। प्रेजेंटली रिजल्ट्स जो हैं वो मई फाइल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये आपको जून फाइल्स के ऊपर देखेंगे। अगस्त के अंदर बहुत सारे बच्चों के लिए ये चैलेंज हो चुका है कि उनको कोर्सेज डेफर करने पड़े हैं जिनके रिजल्ट्स नहीं आ पाए। ये सिचुएशन हर बार होती है, इस बार भी होगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है। जो पेंडिंग फाइल्स हैं जिनके रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपके जो रिजल्ट्स हैं एज पर माई अजम्पशंस वो आपको अगस्त एंड तक रिसीव होंगे ही होंगे। मतलब इस बार ऐसा बैकलॉग बनने के कम चांसेस हैं कि आपको नवंबर में रिजल्ट मिले या आपकी फाइल 6 महीने पुरानी हो जाए या 8 महीने पुरानी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हैं। सो नॉट टू वरी, बेफिक्र होकर अपने रिजल्ट्स का थोड़ा इंतज़ार और करें। 3 मंथ 90 डेज से ऊपर कुछ फाइलों के ऊपर लग सकता है समय, किसी के 2 महीने, किसी के 3 महीने और ज़्यादा हो सकते हैं, बट इन दैट केसेस मोस्टली बिकॉज ऑफ वेरिफिकेशंस। कई बार आपके फंड्स की वेरिफिकेशन कनाडा इस बार बहुत कर रहा है, कई केसेस में एक्सपीरियंसेस की वेरिफिकेशन हो रही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह से कनाडा की स्ट्रिक्टनेस चल रही है आपको उसी हिसाब से ही सिस्टम को फॉलोअप करना होगा। पेंडिंग फाइल्स उतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी पिछली बार थी, बट हाँ, अगर कोई फाइल्स सेप्टेम्बर के बाद भी रह जाएँ कि वो नवंबर की लगी है या अक्टूबर की लगी थी पिछले साल, तो उनको कहीं ना कहीं ज़रूर विड्रॉ करके रीलॉन्च कर लेना चाहिए। बट अभी जैन, फेब, मार्च वाले जो बच्चे हैं बहुत कम इनका बैकलॉग है, तो ये बैकलॉग ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड अगस्त एंड तक ये बच्चे अपने रिजल्ट रिसीव कर जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। अपने प्रोफाइल्स को लेकर जनवरी इनटेक के लिए फाइल्स को टाइमली प्रोसीड कर लें। एडमिशन्स को लेके कन्फ्यूज्ड हैं या अपने प्रोफाइल्स को लेके कन्फ्यूज्ड हैं कि प्रेजेंटली आज की डेट में कनाडा कैसे प्रोफाइल्स के ऊपर वीज़ा दे रहा है, तो ब्रॉडवे की टीम से एक बार कॉन्टैक्ट कर लें। नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में आप जाके मिल सकते हैं और अपनी राइट एडवाइस आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।